हेलो दुरंद्रो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो आज 4 जनवरी है और डेली करंट का तहलका में आपका स्वागत है। इम्पोर्टेंट है, हर रोज की तरह सुबह 6 बजे मेरी क्लास प्रेजेंट हो जाती है और हिंदी इंग्लिश दोनों में मेरी एक क्लास होती है, ठीक है। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, अमित सर जी के टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। हर रोज हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है। आप सभी को मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी जो क्लास है सबसे पहले और सबसे शानदार होती है, और उन बच्चों के लिए जो बच्चा SSC GD को लेकर के, जो कि पेपर होने वाले हैं अब, और CTET जो चल रहे हैं, किसी भी बैंक से किसी भी डिफेंस से रिलेटेड जो भी तैयारी कर रहा है और टारगेट कर रखा है, उसमें डेली करंट या करंट अफेयर से 101% क्वेश्चन अटकते हैं और आते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसीलिए मैं अपनी क्लास को बिल्कुल क्वेश्चन से लेकर के पॉइंट तक सभी चीजों को एनालिसिस करता हूँ, आराम से, प्यार से, बढ़िया तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं दिवसों के साथ, जो कि जनवरी के दिवस जैसे मैं आ रहा हूँ, जैसे पिछले महीने मैंने दिसंबर के बताए, उसी प्रकार से सूची आपके सामने जनवरी के दिवसों की है। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मना जाता है, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। चुनाव आयोग ने किस राज्य में 90% से अधिक मतदान करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया है। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है, जो भी चीजें मैं करवाता हूँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर जो 10th या 11th 12th जो क्वेश्चन होते हैं मेरे, वो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन ही इंपोर्टेंट है, सभी के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। तो चुनाव आयोग ने किस राज्य में 90% से अधिक मतदान करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया है? तो कौन सा राज्य है? झारखंड है, पंजाब है, त्रिपुरा है, तेलंगाना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई त्रिपुरा, ठीक है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न है, ये राज्य है, सेवन सिस्टर के अंदर आता है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, आप सभी को पता होगी। त्रिपुरा वही राज्य है जो पिछले विधानसभा के क्षेत्र में 89% वोटों के साथ मतदान, जो कि भारत का पहला राज्य बना था, सबसे अधिक मतदान होते हैं, तो उसी को लेकर के मिशन 929 लॉन्च किया है मेरे भाई, ठीक है। चुनाव आयोग जो कि इलेक्शन कमीशन है, त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने वाला मिशन 929 लॉन्च किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ओडिशा राज्य के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ने ये किया है, ठीक है। तो सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट जो मतदान हुआ था 2018 में, जैसे मैंने बताया 89% मतदान हुआ था, और मिशन 929 का उद्देश्य यह है कि लोगों को आगामी विधानसभा चुनावों में मतदान करने के लिए जागरूक करना। चुनाव आयोग मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रवार कार्यशालाओं में आयोजन करेगा। ये सभी चीजें इम्पोर्टेंट है। कुल मिलाकर आपको चुनाव आयोग द्वारा जो मिशन 929 किस राज्य में किस चीज को लेकर के क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, सभी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। इंपोर्टेंट है, आपको क्वेश्चन भूलना नहीं है, क्योंकि मैं क्वेश्चन को पहले ऑलरेडी समझा देता हूँ ऑप्शन वाइज, फिर उसके पॉइंटों को भी बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करता हूँ, जिससे दिमाग में पॉइंट समेत समझ में आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा किस देश ने 1 जनवरी 2023 को यूरो जो करेंसी है उसको अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, क्रोशिया या पुर्तगाल है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई क्रोशिया, क्रोशिया इज द राइट आंसर हो जाता है, जो कि अपनी जो इसकी कूना है उसको त्याग करके यूरो को अपनाने वाला यह देश बन गया है। क्रोशिया जो कि सीमा रहित यूरोप क्लब में प्रवेश किया और पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र के 27वें देश बन गया है, ये इंपोर्टेंट है। शेंगन क्षेत्र लोगों को मुफ्त और अप्रतिबंधित आवागमन की सुविधा प्रदान करता है। यूरोजन जो यूनियन है उसमें 20वां देश बन गया है, 2015 के यूरोजन का यह पहला विस्तार है, और यूरो जो है धीरे धीरे स्थान, मतलब कुल मिलाकर यह जो कि कूना है क्रोशिया की, जो अपनी करेंसी है उसकी जगह ले रहा है ये यूरो, ठीक है। 1 यूरो 7.53 ये इसके बराबर होता है। ये सभी चीजें आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिए, ठीक है, इंपोर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान, जिसको CDTI कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन बता दूं, बोरिस जॉनसन है, नरेंद्र मोदी है, श्री अमित शाह जी हैं, या ट्रंप। तो किस व्यक्ति के जरिए केंद्रीय मंत्री कौन है अपने, या अमित शाह यहाँ पर दिख भी रहे होंगे आपके सामने, ठीक है, जिन्होंने CDTI को लॉन्च किया है या फिर इसकी आधारशिला रखी है, ठीक है। ये कर्नाटक के देवहल्ली में केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है, और ITBP जो कि भारत तिब्बत या इंडियन
तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो है कि आवासीय प्रशासन परिसरों को उद्घाटन किया साथ के साथ, आप देख रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट चीज है जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ बाद में, जो मैं पॉइंट बताता हूँ इसका मतलब ये होता है कि फुल सिक्योर हो जाना, आपको क्वेश्चन दिमाग में पूरी तरीके से फीड हो जाना, ठीक है, कंसेंट्रेट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। किस महिला की 192वीं जयंती 3 जनवरी को मनाएगी? तो रानी लक्ष्मीबाई, सावित्री बाई फूले जी, राजवंशी देवी या फिर मैरी क्यूरी। तो यहाँ पर आपको देख रहे ही होंगी, ठीक है, बहुत ही समाज सुधारक, ठीक है, जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारी चीजें की, आवाजें उठाई, ठीक है, आंदोलन किए। तो सावित्री बाई फूले जी आपके सामने हैं, ठीक है, इंपोर्टेंट है। इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि वह शिक्षा और साक्षरता के माध्यम से महिलाओं और अछूतों को सशक्त बनाने वाली भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, ये इंपोर्टेंट है। अब सावित्री बाई फूले जी के बारे में मैं बताऊं, ये नयागांव महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, इनका जन्म वहीं पर हुआ था, 3 जनवरी 1831 को उनका जन्म हुआ, इनकी मृत्यु 10 मार्च 1897 को हुई, और ज्योतिराव फूले की पत्नी थी, जो कि एक कार्यकर्ता और समाज सुधारक थे। ज्योतिराव फूले बहुत ही इंपोर्टेंट नाम, ग्रामीण नाम है, और लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल भीड़े वाला पुणे में 1848 में सावित्री बाई ने अपनी पति की मदद से, जो कि ज्योतिराव फूले थे, उनकी मदद से स्थापित किया था। ठीक है, सावित्री बाई ने महिलाओं के अधिकारों के लिए जागरूकता पैदा करना, और 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत करने वाली सावित्री बाई फूले जी थी। ये सभी की सभी जितने भी पॉइंट हैं इनको लेकर के इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसको चुनाव आयोग ने बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? आप सभी को देख रहे होंगे, बहुत ही लोकप्रियता, बहुत ही अच्छी सिंगर, बहुत ही गायकार हैं मैथाली ठाकुर जी, जो कि बिहार की रहने वाली है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है इनका नाम, ठीक है, जो कि स्टेट आइकॉन नियुक्त की गई है। ठीक है, 2 जनवरी को लोक गायक को स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है मिथाली ठाकुर जी को। ठाकुर का हाल ही में बिहार के लोक संगीत ने उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2021 से चुना गया है, ये आपके सामने दिख रही है। नायिका सॉरी गायिका मतदाताओं के बीच चुनावी प्रक्रिया है जिनमें भागीदारी जागरूकता पैदा करी। ठीक है, ये मैथिली भोजपुरी हिंदी में सभी के सभी में अपने पारंपरिक लोकगीत भी इन्होंने गाए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आप बस यही है कि मैथाली जी को याद करने, ये बहुत अच्छी गायिकार है और इनको आइकन नियुक्त किया गया है बिहार के अंतर्गत। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आयुष्मान भारत के तहत कितने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का लक्ष्य रखा गया है? 5.5 लाख, 1.5 लाख, 7.5 लाख या फिर 2.5 लाख? ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई, 1.5 लाख इज द राइट आंसर। आयुष्मान भारत की बात करूं तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडविया, आप कैसे याद करोगे, स्वास्थ्य तो स्वास्थ्य, ठीक है तो सुख है, सुखी है नहीं है तो दुख है, तो स्वास्थ्य इज द सुख, यहाँ तो ऐसी इस प्रकार से रिलेट करके पढ़ोगे तो मंत्रियों के नाम भी याद हो जाएंगे। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी के अनुसार सरकार ने देश भर में 1.5 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र शुरू करने का लक्ष्य हासिल कर दिया है। आयुष्मान भारत के तहत भारत ने 2022 तक देश भर में मौजूदा 1.5 लाख उप स्वास्थ्य केंद्र और ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ABHWC के रूप में बदलने के लक्ष्य रखा गया है, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस संस्था ने स्टैटिस्टिकल टेबल रिलेटेड टू बैंक इन इंडिया जारी किए? तो आपके सामने दिख रहा होगा जो कि भारत का सर्वोच्चम, ठीक है, RBI बैंक है, ठीक है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जारी किया गया है। ठीक है मेरे भाई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप देख रहा होगा लोगो, ठीक है, ये पाम का पेड़ है। अच्छा, ये किस जानवर की फोटो है इन कमेंट मुझे बताना, बाघ है, चीता है, शेर है, कौन है? तो रिजर्व बैंक जो है अपना स्टैटिस्टिकल टेबल रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया 2021-22 शीर्षक से अपना वेब प्रकाशित जारी किया। यह प्रकाशन भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों को कवर करता है और यह देनदारी और संपत्तियों के इकाईवार पर जानकारी प्रस्तुत करता है। बस थोड़ी सी डिटेल इसलिए दे दी मैंने ताकि आप इससे थोड़े से जुड़े रहें, तो इसके बारे में थोड़ी सी और बातें पहचान सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये इंपॉर्टेंट है। ज्वारी ब्रिज भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टेड ब्रिज किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है या स्थित है? देखो इंपॉर्टेंट है, अभी बनाया गया है, तो ये बेंगलुरु, गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो बन रहा है ज्वारी ब्रिज, ये गोवा स्टेट के अंतर्गत बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, भारत का दूसरा केबल स्टेड है। ठीक है मेरे भाई,
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो कि सड़क परिवहन मंत्री, आप सभी को पता होगी, ज्वारी नदी पर एक, ये ज्वारी नदी कहाँ पर, गोवा में है, इंपोर्टेंट है, ज्वारी नदी काफी चर्चित है इस समय, ठीक है। तो एक नए पुल के पहले चरण का उद्घाटन किया जो उत्तरी गोवा दक्षिणी गोवा के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। ज्वारी ब्रिज मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टेट ब्रिज है। यह पुल के गोवा में बमुलोइन और वेरणा गांव के बीच 13.2 किलोमीटर की दूरी को कवर करने वाला 2530 करोड़ की लागत से बनाया गया है, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है, ज्वारी नदी पर है, ज्वारी ब्रिज है, नितिन गडकरी के द्वारा इसको बनाया गया है, गोवा के अंतर्गत है। सभी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव, धनु यात्रा फेस्टिवल का आयोजन करता है? देखो इंपोर्टेंट है, ये जो फेस्टिवल होते हैं किसी भी राज्य का हो वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। प्रसिद्ध फेस्टिवल जो होते हैं उनको ही मैं लेकर आता हूँ अपनी जीके के अंतर्गत, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उड़ीसा है। तो यहाँ पर राज्य कौन सा है दुनिया में सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर की बात हो रही है धनु यात्रा उत्सव को लेकर के, तो ये जो है उड़ीसा, उड़िया, ठीक है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाने वाला धनु यात्रा उत्सव पश्चिमी उड़ीसा शहर बरगढ़ में शुरू हुआ। देश की आजादी के जश्न के हिस्से के रूप में 1947-48 में बरगढ़ में धनु यात्रा अस्तित्व में आई और यह उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भगवान कृष्ण जी से संबंधित प्रसंगों को लोक कला रूपों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। कहाँ पर क्या हो रहा है ये सभी चीजें मुझे बताना और इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ डिस्कस करना मेरा ये एम होता है, टारगेट होता है, क्योंकि एग्जामिनर यहीं से ही क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई, किस देश ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद, इसको काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन है, देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, की अध्यक्षता संभाली? अभी फिलहाल स्वीडन ने, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, रूस ने। तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाता है, स्वीडन ने 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है, ठीक है। इसमें मैं बता दूं, स्वीडन जो वर्ष पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ले चुका है और तीसरी बार ऐसा हो रहा है स्वीडन ने परिषद की अध्यक्षता संभाली है। जो यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के बीच में हर 6 महीने में बदलती रहती है, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। फिलहाल 6 महीने के लिए जो है यूनियन या यूरोपीय संघ परिषद को लेकर जो अध्यक्ष आपसे पूछ सकता है, तो फिलहाल स्वीडन इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। जिस प्रकार से अभी इंडोनेशिया से G20 की लेकर के हमारे भारत ने अपनी अभी 1 दिसंबर को अपनाया था अध्यक्षता को ली थी, इंडोनेशिया देश से ली थी, अगले 1 वर्ष तक अध्यक्षता ले रखी अपने भारत ने, और इसकी मीटिंग जितनी भी बैठक होंगी वो सभी मैं डिस्कशन करता रहूंगा अपने करंट अफेयर की क्लास में, ठीक है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। G20 की सॉरी फिलहाल जो अध्यक्षता अपने भारत पर है 1 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो आज की क्लास के अंतर्गत इतना ही था मेरे भाई, ठीक है। जितना भी होता है, जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे डिस्कशन करनी होती है अपने भाइयों को क्वेश्चन के साथ, या फिर कोई भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन या पॉइंट रह जाता है मुझसे, तो आप उससे बेहिचक मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही था। तो आज अच्छे तरीके से जितनी भी क्लासेस मैं करवा रहा हूँ अपने भाई से, और आपको लगता है कि मुझे कि मेरी बातें, मेरे क्वेश्चन, मेरी क्लासेस या फिर मेरे सब कुछ जो मैं प्रोवाइड करता हूँ वो अच्छा लगता है, तो मुझे कमेंट में बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने भाई चैनल को कर देना, ठीक है। इतना ही कहूँगा, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेंट्रेट के माध्यम से लगे रहो और कहीं मत भटको, प्रॉपर तरीके से मेहनत करते रहो, सक्सेस आपके हाथ में हो जाएगी, ठीक है। तो इस यही कहूँगा मैं अपने भाइयों से, ठीक है, चलो।